हमको कसम दिलाए जी सर, हमने क्या बोले, हमने बोला था कि अगर तुम लोग क्या चाहते हो तो हर गांव में तीन दिन हर हफ्ता में घूमो रहो और ये किसी आदमी की तकलीफ हो उसको सुनो। और कौन कौन सा गांव सरकारी योजना से वंचित है आपके पंचायत? जड़वा तिवारी है, धवला है, ये कोहरवलिया भी है, यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। एक वहाँ पी आर सी सी बना हुआ है, यहाँ बच्चे लोग के जाने के लिए न पुलिया है न रास्ता है। प्राथमिकता है कि स्कूल में जाने के लिए संपर्क मार्ग, दूसरा बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो पानी हिल के जाते हैं। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुंडी प्रखंड के चित्ताकल पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ के जो कोहरवलिया गांव है उसी गांव में आए हुए हैं जहाँ पर प्रत्याशी अपना अपना वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आ रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। अभी इस गांव में हम लोग पूछेंगे लोग यहाँ की जनता जो है किसको वोट देगी, या जो वर्तमान में था उसको हटाएगी या नया लाएगी चेहरा, ये हम बात करेंगे। और जो मुखिया प्रत्याशी है उनसे भी बात करेंगे कि जीतने के बाद ये करेंगे क्या, अभी तक समाज सेवा ये किए क्या है, ये भी पता करेंगे। वैसे घर घर जाकर दो चार आदमी से पूछेंगे भी इस गांव में, पता करेंगे। ये है मुखिया प्रत्याशी, इनसे बात करते हैं, इनका भी विचार कुछ जानते हैं हम लोग। जी मेरा नाम रामनारायण प्रसाद है, मेरा घर धौला है, मेरे पिताजी का नाम धर्मचंद प्रसाद है, मैं कार्यसेवक हूँ, यहाँ कार्य करता हूँ और पब्लिक में रहता हूँ। हर जन जन बूढ़ा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, हम 1133 पेंशन करा चुके हैं अपने पंचायत में और सेवा में लग रहते हैं। राशन कार्ड है कि राशन कार्ड है, ये सब हम कराते रहते हैं। जो भी बुजुर्ग हैं ब्लॉक तक नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो अपने गाड़ी पर बैठा के और उनकी सेवा हम करते हैं। यानी चुनाव से पहले आप जनता के बीच में थे, सेवा में थे। जी आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव धौला है। हाँ। जी मेरा गांव धौला है, ये चिताखल पंचायत मेरा गांव है, गुटनी प्रखंड है। जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जनता देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता सर हमारे यहाँ जितने विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, जो भी है, हमारे यहाँ स्कूलों में प्रांगण में जितने हैं पानी हेल के बच्चे जाते हैं, वहाँ जाने की रास्ता नहीं है, जो हमारे भविष्य का नेव है उनके लिए दिक्कत हो रही है, उनके लिए हम सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि स्कूल में जाने के लिए संपर्क मार्ग, दूसरा बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो पानी हेल के जाते हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले। ये दिक्कतें आपके पंचायत में किस किस गांव में है? हमारे हर गांव में है, जैसे दमोदरा में है घुटना भर पानी हेल के सब जाते हैं, यहाँ कोहरवलिया में है अभी पास में है जाके देख लीजिए, लोग पानी हेल के जाते हैं, बच्चे सब गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं। बेलिया में पानी भरा रहता है फील्ड में, चीताखल हाई स्कूल है वहाँ पे पूरा फील्ड में पानी रहता है, बच्चा वहाँ भी हेल के जाते हैं। हर जगह ऐसी समस्या है सर हमारे यहाँ। जनता के बीच में सरकार का क्या आप योजना ला कर दिखाना चाहते हैं, क्या क्या नया आने वाला है, ये सब तो आपको मालूम होगा। जी जी हमारे यहाँ नल जल जो है पूरा परिपूर्ण रूप से कहीं कहीं हो गया है, कहीं कहीं नहीं है, तो उसको हम सुधार कराएंगे और जनता की सेवा में हमेशा 24 घंटा हम रहेंगे जी। नया में क्या आने वाला है सरकार में? जो सरकार के यहाँ तरफ से आया है जल जीवन हरियाली वाले, जन जीवन हरियाली वाला, नली गली पहले भी था अभी भी है, तो जन जीवन हरियाली में कुछ हमारी पंचायत में एक भी 0% है, कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ, एक भी कुआं का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, किसी चीज का न तालाब का हुआ है न कुआं का हुआ है, किसी चीज का नहीं हुआ है। आप ही के गाँव में कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं मेरे गाँव में तो बिल्कुल, आप जाइए नहीं है, वहाँ इतना कीचड़ हेल के हम जाते हैं आते हैं। मुखिया जी से प्रस्ताव रखे थे कि सरकारी जो छवर है जो हमारे दो गांव का सिवाना है, भगवानपुर धौला सिवाना है, वहाँ एकीकरण करा दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे सामने आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा के देंगे तो हम कराएंगे। फिर हम तैयार हो गए कि स्टाम्प पेपर पर कराएंगे, फिर मुखिया जी से कहे कि हम करा ले रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारे सामने लोग को करेंगे तब हम काम करेंगे। और कौन कौन सा गांव सरकारी योजना से वंचित है आपके पंचायत में? जड़वा तिवारी है, धौला है, ये कोहरवलिया भी है, यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। एक वहाँ पी आर सी सी बना हुआ है, यहाँ बच्चे लोग के जाने के लिए न पुलिया है न रास्ता है हमारा। अच्छा, बीते हुए 5 सालों में कौन कौन सा कार्य आया है मुख्यमंत्री द्वारा जो धरातल पर मुखिया द्वारा उतरा नहीं है अभी तक? देखिए सर, जो हमारे यहाँ पहले नल जल का आया है, नली गली आया है, स्वच्छ भारत आया है, जो शौचालय बनवाना था, आप देखिएगा हमारे पंचायत में कहीं शौचालय नहीं है, जो ये मुखिया जी द्वारा बना है कहीं शौचालय पूर्ण नहीं हो पाया न बना है। दूसरे स्वच्छ ये नली नल जल है, मेरा गांव राजस्व ग्राम है धौला, वहाँ नल जल का कोई पत्ता नहीं है। गणवा तिवारी में है, 10 से 12 घर में है और कहीं नहीं है, जो मेरा वार्ड होता है, और वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं, कोई अफसर आएंगे चाहे हम जाएं तो हम गाड़ी बाइक पे से उतर के जाते हैं, पानी इतना हेल के कीचड़ हेल के जाते हैं। जो हमारे यहाँ से तमाम लोग हैं पूछ लीजिए, डेलिया से लोग हैं, कोहरवलिया से बाबा हैं, ये बच्चा है इनसे पूछ लीजिए, इनका भी हम काम कराए हैं,
बच्चे तो बहुत हेल्प कराए हैं, गरीब घर से बच्चे हैं, इनका भी हमने विकलांग सर्टिफिकेट का ऑनलाइन कराया है, ऑनलाइन करा के और इनको भी सर्टिफिकेट दिलवाने का काम किए हैं। अच्छा, जनता आपको प्रतिनिधि क्यों बनाए, क्यों चुने? ये काम के लिए चुने जनता, अगर हम काम कर रहे हैं तभी हमको जनता इतना लाइक कर रही है। माने ये पिछला मुखिया भी तो कुछ काम किया होगा? पिछला मुखिया जो किए हैं वो तो जनता हमारे साथ इतना थोड़ी रहती है, इतना परसेंट तक काम किया है उनके। अब देखिए वहाँ जाइएगा, मिडिल स्कूल में दीवार बनवाया है, वहाँ ईंट रखा हुआ था, एक मुखिया ईंट पे मारिए फूट जाएगा, एक बच्चा ऐसे मारे तो टूट जाएगा, वो हमारी भविष्य के मुखिया के फंड में आता है स्कूल का काम, वही बाउंड्री कराए थे मुखिया जी, अब उनके फंड में आता होगा तभी तो बाउंड्री कराए हैं, टाइल्स लगवाए हैं और ये कराए हैं, और वहाँ बिल्कुल घटिया किस्म का ईंटे लगा है, दीवार बना है। और क्या क्या नया योजना जो आने वाला है? सात निश्चित योजना भी पार्ट टू आने वाला है, पार्ट टू आना कैसे उतारेंगे? पार्ट टू आने वाला है सर, पार्ट टू के हमारे जब हम ब्लॉक जब हमको जिताएंगे, जनता हमको आशीर्वाद देंगे तो हम पार्ट टू के बारे में जानकारी ले लेंगे। आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, जीतने के बाद तो कहीं नहीं ना आशीर्वाद वापस कर दे? नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हमारे जितने महानुभाव हैं उनसे पूछिए कि हम गांव में आते हैं कि नहीं, उनके सेवा में लगते हैं कि नहीं लगते हैं, उनका कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, वो खुद बताएंगे। ये तो जीतने के पहले होता ही है, जीतने के बाद पूछ रहा हूं। जीतने के बाद भी हम संकल्प हैं, हम कहे हैं, संकल्प खाए हैं कि हम हर डोर टू डोर मिलेंगे, हर तीसरे दिन एक गाँव में रहेंगे, यही कसम खिलाए हैं बाबा दूधनाथ बाबा हैं, यही हमको कसम खिलाए हैं कि कसम खाओ कि हर गांव में तीसरे दिन मिलोगे, तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए, तुम जब खोजा जाएगा आप उस समय मिलिएगा। बाबा का परिचय? त्रियोगी बाबा, भूमिनाथ तिवारी। भूमिनाथ तिवारी, आपका घर कहाँ? ये कोरवलिया, कोरवलिया में। हमको कसम दिलाए? जी सर। हम क्या बोले? हमने बोला था कि अगर तुम लोग क्या चाहते हो तो हर गांव में तीन दिन हर हफ्ता में घूमो रहो और ये किसी आदमी की तकलीफ हो उसको सुनो। अगर कसम तोड़ दिए तब क्या करेंगे? तोड़ेगा तो कर क्या सकते हैं, अब इनका कसम इनके साथ में रह जाए। अब आप इतने बुजुर्ग हैं, इनका कसम विश्वास नहीं करिएगा? ये हमारे गुरु हैं, ये भगवान जैसे हैं, हम इनको भगवान मानते हैं, जो भी बुजुर्ग है हमारे पंचायत को हमारे भगवान जैसे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से हम खड़े हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जीत हासिल करने जा रहे हैं, हम इनकी सेवा में लगे हैं और इनके चरणों में हम हैं, जितने तिवारी बाबा हैं सबके चरणों में हम हैं, उनके आशीर्वाद चाहिए हमको। अच्छा बाबा, आपके गांव में विकास कुछ हुआ है कि नहीं? 5 मीटर 30 फीटर चाहे 7 फीटर रोड बनाए हैं मुखिया जी, हमारे देखने बहुत कुछ नहीं, नल जल जो बना है, नल जल तो लगा है, कमाओ खाओ योजना कमाने के लिए, अब कमाने के लिए मिलता है, पानी के लिए मिलता है कि नहीं? नहीं, पानी तो आता है, आता है, आता है, रोज आता है, रोज आता है। चलिए अच्छा है, कोई फॉल्ट होता है तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये तो वार्ड का काम है, वार्ड सही से करता है, यहाँ का वार्ड सब अच्छा काम किए हैं, यहाँ पानी टाइम टाइम से मिलता है, यहाँ का वार्ड सब अच्छा काम किए हैं, और खुदे जो घर घर जाके नल जल के बारे में पूछते हैं, यहाँ ठीक है ना इस वार्ड में। अब चलिए, जो मुखिया प्रत्याशी है धरातल पर, जो सरकार द्वारा काम आने वाला है या आया था उसको बता रहे हैं, अधूरा है, जो आने वाला है अपने तरफ से अच्छा से उतारेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सात निश्चित योजना एक कोरवलिया गांव में भी धरातल पर उतरा है, बोर्ड पर उतरा है, अब जमीन पर उतरा है कि नहीं ये तो हम लोग घूमने के बाद पता चलेगा। अब 67,000 का यहाँ पर रोड बना है, अभी ये वाला रोड है ना, यही वाला है, ये तो उतर गया है जो बोर्ड लगा है, सही है। चलिए अच्छा है, और भी लोगों से हम लोग पता करेंगे इनकी इन गांव में छवि क्या है, पंचायत में छवि क्या है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ ड्रोन 24 से, धन्यवाद।